अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नुमान एहसन और आप देख रहे हैं ऑटो इनसाइट्स। टुडे द बाइक आई एम गोइंग टू रिव्यू इज यामा YBR125G मैट ऑरेंज कलर में यामा ने मुतारिफ करवाया, नया बाइक है। इसके बारे में आपको जितनी भी डिटेल्स वगैरह है, प्राइस का क्या प्रोसीजर वगैरह है और बुकिंग का क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में हम सारा बताएंगे। वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, ये है यामा YBR125G मैट ऑरेंज कलर का जो है बाइक सिटी पे सबसे पहले आपको रिव्यू लेके आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके ग्राफिक्स पर अभी आपको दिखाता चलूँ तो ग्राफिक्स में भी चेंज किया गया है। जो कलर है YBR इसको सिल्वर में कलर के लिख दिया है 125 और जी, जैसे कि जीप स्ट्रैक के ऊपर यहाँ पे एम्बलम दिया जाता है, इसी तरह यहाँ पे इसका लोगो दिया गया है। जैसे कि जीप स्ट्रैक होती है यहाँ पे YBR G वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका जो है फ्यूल का सिस्टम दिया गया है। अगर आपको मैं इसका कलर स्कीम दिखाता चलूँ तो मैट ऑरेंज कलर में इसको दिया गया है कलर। इसकी आप फिनिशिंग वगैरह भी देख सकते हैं कि कितने डिसेंट स्टाइल में इसको इसकी फिनिशिंग वगैरह की गई है। बैक से भी अगर आपको दिखाते चलूँ तो बैक वाइजर जो कि फाइबर में देखने को मिलता है उसके ऊपर भी इन्होंने मैट कलर में इसकी फिनिशिंग की गई है। मेरे ख्याल से बिल्ड क्वालिटी इस बाइक के अंदर इंक्रीज कर दी गई है। इसके अलावा आपको मैं टैंक का दिखाता चलूँ तो 12 लीटर का इसके अंदर टैंक दिया जाता है। ओपन इसका सेम जिस तरह के हैवी बाइक्स के अंदर दिया जाता है, इसको आप चाबी से ओपन कर सकते हैं इजीली। इस तरह करके इसका ये बाइक का जो फ्यूल टैंक है ये ओपन हो जाता है। इसके अलावा आपको मैं इसके फीचर्स के बारे में बताता चलूँ तो सबसे पहले जो इसका हैंडल बार है उसके ऊपर दिखाता चलूँ तो हमें लाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा इस बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन भी हमें हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि इसके अंदर डिस्प्ले यूज़ की जाती है तो फ्रंट पे डिस्प्ले ऑयल भी हमें देखने को मिलता है। मीटर के ऊपर बात करता चलूँ जो कि मेन चीज़ होती है राइडिंग के वक्त, वहाँ पर हमें इसका जो है स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, 120 इसकी टॉप स्पीड है। इसके अलावा हमें फ्यूल गेज भी देखने को मिलती है। बहुत से बाइक है हमें फ्यूल गेज उनमें नहीं देखने को मिलती, लेकिन YBR125G में हमें फ्यूल गेज भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा RPM मीटर भी इस बाइक के अंदर अवेलेबल है जिसके अंदर हमें गियर इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो न्यूट्रल की गेज वगैरह है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। टर्न सिग्नल्स ऑन करें तो यहाँ पे अलग से ऑप्शन है। इसके अलावा लेफ्ट साइड की ग्रिप आपको दिखाते चलूँ तो हमें हाई बीम लो बीम की ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा टर्न सिग्नल्स की ऑप्शन मिलती है और नीचे हमें हॉर्न की ऑप्शन देखने को मिल रही है। ओवरऑल इसका जो हैंडल बार है वो भी कंफर्टेबल, अगर आप इसको राइडिंग के पोस्चर के ऊपर बात करता चलूँ आप इसको ईजिली राइड कर सकते हैं। लॉन्ग जर्नीज के लिए आप इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट साइड से अगर आपको दिखाता चलूँ तो इस बाइक के अंदर हमें गोल्ड फ्रेम के साथ हेडलाइट देखने को मिलती है जो कि इसके ऊपर ओवरऑल क्रोम का यूज़ किया गया है। इसके अंदर जो बल्ब यूज़ करते हैं कंपनी वगैरह वो हैलोजन बल्ब है ऑरेंज बीम के साथ। इसके अलावा हमें पार्किंग बल्ब भी लाइट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ऊपर इसके ओवरऑल मेटल का ये फ्रेम दिया गया है, अगर आप इसको कहीं अल्लाह ना करे कहीं गिरते भी हैं तो लाइट आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी। अंदर वाला जो इसका वाइजर है ये आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। इसके ऊपर हमें डायमंड कट के साथ मीटर देखने को मिलता है। राइट साइड पर अगर आपको दिखाता चलूँ तो इसके अंदर फ्लेक्सीबल हमें इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। अब इनको फ्लेक्सिबल जितना भी करनी है फ्लेक्सिबल हैं, ये टूटेंगे नहीं। इसके अलावा नीचे अगर आपको दिखाते चलूँ तो यामा का एम्बलम भी देखने को मिलता है। इसके नीचे हमें मड गार्ड देखने को मिल रहा है जो कि हार्ड शाइनिंग मड गार्ड है। साइड से अगर आपको दिखाऊं तो ये जैसे कि ट्रेल बाइक्स के अंदर मड गार्ड देखने को मिलता है उस तरह का मड गार्ड हमें इस बाइक में देखने को मिल रहा है। शॉक्स के ऊपर बात करता चलूँ तो शॉक्स हमें इस बाइक के अंदर सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है वो कंपनी शॉक्स प्रोवाइड कर रही है। टेलीस्कोपिक शॉक्स बाइक के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ऑफ रोडिंग पर भी अगर आप यूज़ करें तो इस बाइक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके अलावा बैक साइड पे हमें मड फ्लैपर भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है जो कि टायर को मड से आपकी जब राइड करेंगे तो मड फ्लैपर है आपके ऊपर, एक छींटे वगैरह बारिश वगैरह में नहीं आने देगा। इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर बात करता चलूँ तो हमें फ्रंट साइड पे सिंगल पिस्टन की डिस्प्ले इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। डिस्पैड भी अगर आपको दिखाता चलूँ इसकी क्वालिटी वगैरह भी आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। इसके अलावा टायर की बात करता चलूँ तो 18 इंच का रिम हमें देखने को मिलता है। रिम की भी क्वालिटी अगर आपको दिखाऊँ तो हैवी मेटल का यूज़ करते हुए इसके अंदर रिम दिया गया है। टायर्स के ऊपर बात करता चलूँ तो हमें यहाँ पे पैंथर का टायर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। टायर का पैटर्न आपको दिखाता चलूँ तो ऑफ रोडिंग के लिए और ऑन रोडिंग के लिए दोनों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टायर का साइज आपको बताता चलूँ तो 2.75x18 का टायर हमें इस बाइक में देखने को मिलता है। बैक साइड से अगर आपको मैं इसकी लुक दिखाता चलूँ तो देखें कितने डिसेंट डिजाइन में स्पोर्टी लुक में इसकी लाइट दी जाती है जिसके कट्स वगैरह डायमंड कट्स हैं। ऊपर अगर आपको मैं पेंट की फिनिशिंग दिखाता चलूँ तो एक जबरदस्त की फिनिशिंग की गई है। यामा का जो लेबल है इसके ऊपर अगर आप फील भी करें तो ये लादस की फील आती है, ऊपर इसको प्रिंट किया गया है। इसके अलावा जो इसकी बैक टेल है वो भी एक मॉडर्न डिजाइन में दी गई है जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक की होती है। बैक साइड पे बाइक सिटी का इसमें लेबल भी लिया गया है, यहाँ से भी आप इनका नंबर देख सकते हैं, वैसे भी मैं मेंशन कर दूंगा। बैक पे जो टायर है उसका भी पैटर्न आप देखें तो फ्रंट टायर से मिलता जुलता है, इसको आप ऑन रोडिंग और ऑफ रोडिंग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टायर का साइज अगर आपको मैं बताता चलूँ तो 90x90x18 का इसमें टायर दिया जाता है। पैंथर का टायर कंपनी यूज़ कर रही है। रिम की क्वालिटी भी आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि हैवी मेटल का रिम यूज़ किया गया है। इसके अलावा बैक साइड पे जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके बारे में बात कर लूँ तो बैक साइड पे हमें सिंपल ड्रम ब्रेक देखने को मिल रही है। ब्रेकिंग सिस्टम की पावर जो है वो अच्छी है क्योंकि फ्रंट पे हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है और बैक पे ड्रम ब्रेक
तो बाइक को इजीली रोकने में हमें कोई इशू नहीं होता। शॉक्स के ऊपर बात कर लें तो बैक पे हमें एडजस्टेबल शॉक्स देखने को मिलती है, हम इनकी थिकनेस को सॉफ्ट भी कर सकते हैं, हार्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी क्वालिटी वगैरह भी बेहतरीन है, ऑफ रोडिंग के लिए बेहतरीन बाइक है। इसके एग्जॉस्ट के ऊपर बात करता है तो ब्लैक कोटेड एग्जॉस्ट बाइक के अंदर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर क्रोम की स्ट्रिप्स दी जाती हैं जाके आपका पाँव वगैरह इस पर आ जाए। इसके अलावा जो कि इसको गर्म होने से बचाता है, आपका पाँव वगैरह इस पर आ जाए तो डैमेज वगैरह नहीं होगा। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाते चलूँ तो फुट रेस्ट के साथ हमें अलहदा से कंपनी ने फ्रेम प्रोवाइड किया पूरा, ताकि इस बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशन वगैरह इतनी फील ना हो। वैसे तो इसके अंदर बैलेंसर शेफ्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके अंदर इस वजह से पाँव वगैरह में भी वाइब्रेशन इतनी फील नहीं होती है। इसके अलावा किक स्टार्ट भी इस बाइक के अंदर हमें देखने को मिलती है, सेल्फ स्टार्ट मोटर भी अवेलेबल है। जैसे कि सर्दियों में बाइक कभी कभी कोई इशू करे तो, लेकिन वैसे तो इनमें इशू होता नहीं है। तो इसके अलावा इन्होंने किक भी दी है, जैसे कि अगर आप सुजुकी को देखते हैं तो GSX 125 उनके वहाँ पे किक भी देखने को नहीं मिलती। मैनुअल एक्सेलरेशन की जो है हमें एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। इसके अलावा इंजन के ऊपर बात करता चलूँ तो हमें 125 cc क्यूबिक डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर देखने को मिलती है। 1000 ml का हमें यहाँ पे फ्यूल ऑयल डालने के लिए ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा फ्रंट पे अगर आप फ्रेम देखते चलें तो एक हैवी मेटल का फ्रेम दिया गया है। अब इसकी जो है जो फ्यूल एवरेज है उसके ऊपर बात करता चलूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि YPR हमें फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी दे रहा है, बहुत से लोग कहते हैं हमें 30 की एवरेज दे रहा है। तो पर्सनली मैं इस बाइक को यूज़ कर चुका हूँ जो कि इसका प्रीवियस मॉडल था, तो मुझे ये बाइक नॉर्मल जो है रोड्स पे 45 से 50 की एवरेज देता रहे। पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि अगर आपने फ्यूल एवरेज और स्पोर्टी लुक के लिए बाइक लेना है तो मेरे ख्याल से यामा YPR बेस्ट बाइक है। इसके अलावा आपको मैं यहाँ से चेन कवर दिखाता चलूँ तो इस बाइक के अंदर हमें सिंपल फाइबर के अंदर चेन कवर दिया जाता है जो कि इसके वेट को डिक्रीज करता है। अगर आप मेटल का चेन कवर यूज़ करते हैं तो आपको वेट हैवी मिलता है, जिसकी वजह से पावर के ऊपर थोड़ा इशू बनता है, लेकिन मेरे ख्याल से फाइबर का चेन कवर इस मामले में बेहतरीन है ताकि आपका वेट कम हो और बाइक की पावर पर कोई इतना फर्क वगैरह ना पड़े। इसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे गियर्स का जो सिस्टम है तो रिटर्न शिफ्ट गियर सिस्टम है, पहला गियर आपका आगे लगता है और 4 गियर हमें पीछे देखने को मिलते हैं। स्पोर्टी शिफ्ट पैटर्न इसको कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पोर्टी शिफ्ट पैटर्न, तो ये हैवी बाइक के अंदर यूजली आता है और इस बाइक के अंदर भी दिया गया है। अगर आप लुक्स के बारे में देखते चलें तो ये बाइक थोड़ा हटके है, टूरिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आजकल नौजवान नस्ल है तो उनको इस तरह के कलर्स भी देखने को पसंद है। यामा की कलर स्कीम एक बहुत यूनिक है, इसके अंदर ऑरेंज कलर यूज़ किया गया है, मैट ग्रे कलर भी आता है। जैसे कि आप होंडा और सुजुकी में देखते चलें तो उनमें हमें रेड और ब्लैक कलर देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा हट के काम किया है, इसके अंदर हमें मैट ऑरेंज कलर प्रोवाइड किया है। इसके अलावा हमें मैट ग्रे कलर भी देखने को मिलता है। इस बाइक की सीट के ऊपर मैं बात करता चलूँ तो सीट इसकी इंतहाई रिलायबल सीट है, आपको कभी भी लॉन्ग जर्नीस पे ये तंग नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। आप अगर इस बाइक को यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, इस पे 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। पिछला बंदा थोड़ा हाइटेड होगा क्योंकि इसकी सीट में थोड़ा बेंड है, थोड़ा हाइटेड होगा, लेकिन उसे भी बैठने में कोई इशू वगैरह नहीं होगा। इसके अलावा जो फ्रंट सीट है उसमें अगर आप बैठे हैं तो ऐसे फील होता है जैसे आप बाइक के अंदर बैठ के इसको राइड कर रहे हैं। अगर आप CD70, CG125 वगैरह यूज़ करिए, इवन CB125F भी आप यूज़ करते रहें तो उनमें आप देखेंगे ये सीट थोड़ी टैंक के लेवल पे आती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सीट टैंक के नीचे है। मैं आपको दिखा दूं बैठ के भी, अब बाइक मेरे बिल्कुल लेवल पे आ गया यहाँ पे, तो इसमें आपको कभी भी राइडिंग के वक्त इतना इशू वगैरह नहीं होगा। अगर आप इसमें राइड करूँ तो मेरा बाजू भी आप देखें पूरा हैंडल के ऊपर आया हुआ है, तो मेरे ख्याल से राइडिंग पोस्चर इस बाइक के अंदर बेहतरीन है, आपको लॉन्ग जर्नीस पर भी ये बाइक तंग वगैरह नहीं करेगा। इसके अलावा जो मेन चीज़ एंड पे आपको मैं बताता चलूँ कि YPR ने ये जैसे कि ये कलर तो मुतारफ़ करा मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अलावा मैट ग्रे कलर भी है, तो इन कलर्स की भी बहुत शॉर्टेज हुई है, ये मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं है। बाइक सिटी पे आपको अवेलेबल है, लेकिन बहुत सी जगह पर इनकी बुकिंग हो रही है, ऑन द स्पॉट डिलीवरी नहीं है, लेकिन आप बाइक सिटी से अगर लेते हैं तो ऑन द स्पॉट आपको इन सारे बाइक्स की डिलीवरी मिल सकती है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल का हवाला इनको देंगे या इनका लिंक देंगे तो आपको ये स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। एट दी एंड इस बाइक की जो प्राइस है उसके बारे में आपको बताता चलूँ तो 4,10,000 रुपये इस बाइक की प्राइस है। इसमें नया कलर मुतारिफ़ करवाया गया है, अगेन मैं बताता चलूँ मैट ऑरेंज कलर, ग्राफिक्स पे आपको दिखाता चलूँ यामा का लोगो भी प्रोवाइड किया गया है, फिनिशिंग वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा हमें मैट ग्रे कलर भी इस बाइक में देखने को मिलता है, इसकी प्राइस भी 4,10,000 रुपये है। अगर आपने बाइक वगैरह लेनी हो तो आप देख सकते हैं इनके पास सारे बाइक्स का स्टॉक अवेलेबल है, यामा YBDX भी इनके पास अवेलेबल है, इसके अलावा YBRESD मॉडल भी हर कलर में आपको मिल सकता है बाइक सिटी पे। आपको मैं पहले इनका ऊपर बोर्ड भी दिखा चुका हूँ, वहाँ से आप इनका नंबर वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा इनके पास वर्कशॉप भी रेडी हो गई है, आपने कोई किसी किस्म की यहाँ पे सर्विस वगैरह करवानी हो तो आप इनसे, वर्कशॉप भी इनके पास अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर अभी भी एक बाइक आया हुआ है, ऑथोराइज 3 ईयर सेल्स इनकी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे काम किया जाता है, बाइक्स वगैरह रेडी की जाती हैं।
इसके अलावा आपको रिव्यू कैसे लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मैट ग्रे कलर पसंद आया या मैट ऑरेंज कलर। शुक्रिया।